गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रुचि पांडे, डॉक्टर रुचि पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से आपको आज एक यूनिट फर्स्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर का डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वाला टॉपिक एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ आज आपको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक। दिस इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। कुछ लोग हिंदी में भी होंगे इसलिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। डी ब्रोगली थ्योरी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कहते हैं जिसे हम। तो डी ब्रोगली ने क्या बोला था? डी ब्रोगली ने बोला था, ही पॉइंटेड दैट इलेक्ट्रॉन लाइक ए लाइट एज वेल एज पार्टिकल्स बिहेवियर। उसका बिहेवियर किसकी तरह होता है? पार्टिकल्स की तरह भी होता है, वेव की तरह भी होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है जो उसका बिहेवियर होता है दोनों टाइप से होता है, लाइट की तरह भी यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स की तरह भी और साथ साथ वेव की तरह भी। क्या कह सकते हो? जैसे कि वेव, वेव आपको पता है, वेव 12th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है कि वेव इस तरह से ट्रेवल करती है, जस्ट लाइक दिस वन, क्रेस्ट एंड थ्रॉट बनते हैं इसमें, एंड पार्टिकल्स पार्टिकल एज यूजुअल किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो डी ब्रोगली ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, ही पॉइंटेड दैट, अगर हम इसकी थ्योरी बोलेंगे तो थ्योरी ये होती है, ही पॉइंटेड दैट इलेक्ट्रॉन लाइक लाइट ए लाइट बिहेव बोथ एज वेल एज मटेरियल पार्टिकल्स एज वेल एज वेव बिहेवियर। उसका बिहेवियर क्या होता है? मटेरियल पार्टिकल्स की तरह होता है और साथ साथ किसकी तरह होता है? वेव की तरह होता है। उसको इस चीज़ ने एक्सप्लेन करने के लिए उसने, सपोज अगर उसका बिहेवियर पार्टिकल्स की तरह होगा तो उसका मोशन क्या होगा? किसी भी डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन भी हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकता है, कोई भी। ओके, सपोज उसका मोशन वेव की तरह होगा तो वो वेव की तरह इस तरह से ट्रेवल करेगा। अगर उसका मोशन वेव की तरह होगा तो वो इस तरह से ट्रेवल करेगा। तो यही उसने भी बोला, उसने कहा, उसने थ्योरी को बोला कि उसने कहा कि दोनों तरफ से उसका बिहेवियर हो सकता है कि जस्ट लाइक ए पार्टिकल्स। ये कौन सा बिहेवियर दिख रहा है? दिस वन इज ए पार्टिकल बिहेवियर, दिस वन इज ए पार्टिकल बिहेवियर एंड दिस वन इज ए वेव बिहेवियर। उसका बिहेवियर कौन सा दिख रहा है आपका? ये वेव बिहेवियर दिख रहा है। ओके, सो सपोज हम कंसिडर करें कि सपोज वी हैव एन वन इलेक्ट्रॉन, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है एंड इट ट्रेवल अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ। वो न्यूक्लियस के सराउंड में सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है। सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो किसी सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रहा है। एट दिस टाइम इट्स मास इज एम। उस समय उसका मास क्या है आपका? एम है। यू नो दैट द मास इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एम। मास किसके टर्म्स में? आपका एम के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, तो उसका मास क्या है आपका? एम। एंड सेम टाइम जब वो ट्रेवल कर रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, सो इट्स वेलोसिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय सी। उसकी वेलोसिटी क्या है? वी है, सी है, या वी भी कहते हैं। वी बाद में आई थी, पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट थ्योरी जो थी एनर्जी के टर्म्स में आइंस्टीन ने दी थी, उसने वेलोसिटी क्या बोली थी? सी बोली थी। सो एट दिस टाइम इफ वी ट्रेवल अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ, एट दिस टाइम इट्स मास इज एम। उस समय उसका मास क्या है? एम है। एंड इट्स वेलोसिटी इज सी। उसकी वेलोसिटी क्या है आपकी? सी है। एंड इट ट्रेवल अराउंड द न्यूक्लियस, मे बी ट्रेवल अराउंड द न्यूक्लियस एज वेल एज वेव एज वेल एज पार्टिकल्स बिहेवियर। एट दिस टाइम इट्स मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। उसका मोमेंटम क्या है आपका? क्या है उसका वेवलेंथ? क्या है उसका? लैम्डा। आपको वेवलेंथ किससे शो किया जाता है? लैम्डा। उस समय उसका वेवलेंथ क्या आपकी? लैम्डा। सो इट शुड बी एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ प्लैंक थ्योरी। हम अगर उसकी एनर्जी को एक्सप्लेन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रेवल कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ, जब उसका मोमेंट, जब उसका मास एम है, उसकी स्पीड यानी कि वेलोसिटी आपकी सी है, एंड एट दिस टाइम इट्स वेवलेंथ इज लैम्डा। उसकी वेवलेंथ क्या है आपकी? लैम्डा है। तो अगर हम उसकी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्लैंक एंड आइंस्टीन, सो व्हाट अबाउट यू फाइंड आउट? तो हम इससे क्या फाइंड आउट करेंगे? देखिए, अगर हम उसकी वेलोसिटी फाइंड करते, अगर हम उसकी एनर्जी फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लैंक, सो अकॉर्डिंग टू द प्लैंक यू नो दैट एनर्जी इज रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ ई इज इक्वल टू एच न्यू। प्लैंक की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी क्या होती है? उस समय उसकी एनर्जी क्या होती है? ई इज इक्वल टू एच न्यू। एंड सेम टाइम अगर हम उसको आइंस्टीन के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन ई इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर, ई इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। सो वी गेट टू इक्वेशन। इक्वेशन नंबर वन इज रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ प्लैंक एंड सेकेंड इक्वेशन इज शोन बाय द आइंस्टीन। सेकेंड इक्वेशन किसने एक्सप्लेन कर दी? आइंस्टीन ने। फ्रॉम इक्वेशन वी टेकिंग फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, वन एंड टू, अगर हम इक्वेशन वन और टू को लेते हैं, सो वी फाइंड आउट वॉट एच न्यू इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ई दोनों सेम है, एच न्यू इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। ओके, हमें एम इंटू सी स्क्वायर तो ऑब्टेन हो गया, बट हमें पता है, वी नो दैट, अभी हमें यहाँ पर एक फंडा और फॉलो करना पड़ेगा। वी नो दैट जो प्राइमरी सेक्शन में सिखाया जाता है न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? सी ओवर लैम्डा। हम देख रहे हैं कि जब हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों को, हमारे पास कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आ रहा जिससे वो दोनों क्या हो जाए? कंपेयर हो जाए, या कोई
पॉइंट एक आपका कट आउट हो जाए। तो हमने इसको क्या करा, न्यू को सी के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। तो वी नो दैट, सो अपॉन हमने एक पॉइंट यूज करा, वी नो दैट न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। सो वैल्यू नाउ द वैल्यू पुट इन, नाउ वैल्यू पुट इन द इक्वेशन, इसको हम इसके इक्वेशन थर्ड मान लेता है। नाउ वैल्यू पुट इन इक्वेशन थ्री, हम उसकी वैल्यू कहां रख देते हैं, इक्वेशन थ्री में पुट कर देते हैं। तो न्यू की वैल्यू हमने इक्वेशन थ्री में पुट करी, तो वी फाइंड आउट एच, न्यू की जगह पर हम रख देंगे, न्यू की जगह हमने रखा सी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एम इन टू सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी कट गया, वी फाइंड आउट एच लैम्डा इज इक्वल टू एम इन टू सी, कंपेयर इस लैम्डा को ऊपर पहुंचा देते हैं, एम इन टू सी को नीचे पहुंचा देते हैं, एच अपॉन एम इन टू सी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका लैम्डा, बिकॉज एम इज द मास एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी जिसे आप कहते हो। तो हम कई बार कह सकते हैं एम इंटू सी को हम क्या कहते चलते हैं पी, या कई लोग क्या कहते चलते हैं, इसमें दो कंडीशन चलती हैं, एम इंटू सी इज इक्वल टू क्या हो गया लैम्डा, एम इंटू सी इज इक्वल टू लैम्डा, और आपको पता है सी इज इक्वल टू किसके होता है वी के, ठीक है। सी को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सी तो हमारे आइंस्टीन के अकॉर्डिंग था, बाद में वेलोसिटी को दिस इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी this is represented by v also, so we find out what h upon m into v is into lambda, so now m into v is equal to p, m into v किसके इक्वल होता है p, जिसे हम क्या कहते हैं मोमेंटम, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं मोमेंटम, जिसे हम क्या कहते हैं मोमेंटम, so now what h over p is equal to lambda, तो हमें क्या ऑब्टेन हुआ H over P is equal to किसके equivalent obtained हुआ आपका lambda के equivalent obtained हुआ, okay? So now हमें इससे क्या क्लियर, और आपको पता है कि ये क्या है, this is the Planck constant, H हमारा क्या होता है Planck constant, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारे पास लिखने के लिए हमारा final De Broglie equation आपकी clear हो चुकी है, De Broglie equation हमारी पूरी हो चुकी है, but आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या ये आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मतलब हमारा इक्विलिब्रियम इक्वल का साइन हटा दे तो हमारे यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा, सो वी फाइंड आउट व्हाट वन ओवर पी इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो इससे क्या क्लियर हुआ कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस वी फाइंड आउट लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, लैम्डा क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके मोमेंटम के, अगर लैम्डा इंक्रीज होगा तो मोमेंटम डिक्रीज होगा, मोमेंटम इंक्रीज होगा तो लैम्डा डिक्रीज होगा, सो दिस हाइपोथेसिस इज गिवन बाय द साइंटिस्ट डी ब्रॉगली 1924 इलेक्ट्रॉन, ओके, अकॉर्डिंग टू दैट अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली द इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक ए बिहेव ए लाइट पार्टिकल्स एज वेल एज मटेरियल पार्टिकल्स और एज वेल एज वेव पार्टिकल्स, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका बिहेवियर जो होता है ये बहुत लाइटर पार्टिकल होता है, उसका बिहेवियर जो होता है वेव की तरह भी होता है और आपका स्मॉल पार्टिकल्स की तरह भी होता है, अगर उसका बिहेवियर वेव की तरह है सो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, अगर वो पार्टिकल्स की तरह है तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। सपोज लेट अस कंसिडर द एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ, एट दिस टाइम इट्स मोमेंटम its mass is equal to m and speed is equal to c and at this time same time its wavelength is equal to lambda, agar electron nucleus ka surrounding mein travel kar raha hai us samay uska mass m hai speed c hai aur lambda wavelength uski lambda hai, to according to planck ye kiske according tha planck ke according, ye planck ke according according to einstein, ye einstein ke according the energy is represented by e is equal to s nu and according to einstein e is equal to m into c square, so now equation 1 and equation 2 comparing both equation then we find out this relationship, so this is known as the de Broglie hypothesis. इसके बाद आपका जो next topic है वो Heisenberg uncertainty principle है, उसको हम next topic में discuss करेंगे. Thank you, have a nice day.